टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यू नो द थ्री डायमेंशनल पैकिंग। हम क्या करने वाले हैं स्टार्ट आज? थ्री डायमेंशनल पैकिंग, हम इसको 3D पैकिंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3D। 3D का मतलब ये थ्री डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है? ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल पैकिंग और 3D पैकिंग। अब 3D पैकिंग में हम सबसे फर्स्ट टाइप देखने वाले हैं और वो है ए ए ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और हम उसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम उसको? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए ए ए ए टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल पैकिंग। थ्री डायमेंशनल पैकिंग। अब इसको स्टार्ट करने के पहले ना हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये पैकिंग कैसे होगी। सपोज हमारे पास एक टू डायमेंशनल अरेंजमेंट वाली लेयर है। कौन सी? टू डायमेंशन वाली। तो टू डायमेंशन में कैसा होगा? ए ए टाइप का अरेंजमेंट, बिल्कुल एक स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर ऐसा होगा। एक स्फीयर हो गया तो दूसरा स्फीयर बिल्कुल इसके ऊपर आएगा ऐसा, ठीक है? हम इसी को बोलते हैं ए ए ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये टू डायमेंशन का हो गया। ये भी ए लेयर है और ये भी ए लेयर है। अब मैं और एक लेयर ड्रॉ कर लेता हूँ सो देट हमको समझने में ईजी जाएगा। तो ये हो गई हमारी एक लेयर। अब ये भी ए टाइप का है। अब सेम शीट है ना, ऐसी ही शीट है ना, हमारे पास सपोज ये दो शीट है तो ऐसी ही शीट हम बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे, दूसरा पार्टिकल बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। यानी पार्टिकल का अरेंजमेंट हम ऐसा करेंगे थ्री डायमेंशनल वे में कि बिल्कुल पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आएंगे, स्फीयर के ऊपर स्फीयर आएगा। जैसे आपने जनरल देखा होगा शादियों में जो लड्डू बनते हैं, तो शादियों में जो लड्डू बनते हैं उनको अरेंजमेंट करने के लिए डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, है ना? सपोज अगर आपने एक लड्डू के ऊपर ऐसा लड्डू रख दिया है ना, तो ये हो जाएगा जैसे हम अरेंजमेंट अभी कर रहे हैं ए ए ए टाइप का। लेकिन अगर आपने अरेंजमेंट ऐसा किया है ना, ऐसा किया तो ये ए और बी टाइप का हो गया। तो हम अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल्स को हमने बिल्कुल स्फीयर के उसके ऊपर स्फीयर रखा तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, जो बाजू में दिख रहा है वाला स्ट्रक्चर ये। तो यहाँ पर ये भी ए लेयर है, है ना, ये भी ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, और उसके ऊपर जो पार्टिकल रखे हैं वो भी ए लेयर ही है ना। तो ये हो गया वन डायमेंशन में। अब इसको अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हो गया, तो ये हो गया टू डायमेंशनल, और उसके ऊपर और एक लेयर रख दिया तो ये हो जाएगा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो यहाँ पर जो स्पेस बनता है वाइट स्पेस, वो ऐसा बनेगा। वाइट स्पेस यानी खाली जगह बहुत ज्यादा होती है इसमें, ठीक है? ऐसा, ठीक है? ये वाला जो वाइट स्पेस है हम इसको बोलेंगे वाइट स्पेस विच इज फॉर्म बाय द ए ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो ऐसे अरेंजमेंट जो थ्री डायमेंशनल में होगा हम उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, या इसको हम एस सी सी भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। हम इसको बोलते हैं सिंपल, लेट मी चेंज द इंक, इट इज सिंपल क्यूबिक पैकिंग। अब सिंपल क्यूबिक क्यों? अगर हमने पार्टिकल्स को यहाँ पर अरेंज किया, देखो यहाँ पर ये पार्टिकल के सेंटर से इस पार्टिकल का सेंटर, इस पार्टिकल के सेंटर से इसका सेंटर, फिर इसका सेंटर, इसको हमने ड्रॉ किया तो एक स्क्वायर बन गया, ठीक है? फिर दूसरा और एक पार्टिकल जैसे पीछे का पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल से हमने इसको वापस एक स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ किया, तो हमको यहाँ पर एक सिंपल यूनिट सेल दिख रहा है ना? तो ये सिंपल यूनिट सेल एक्चुअल में कैसा है? सिंपल क्यूबिक के समान, इसलिए हम उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर के ऊपर, देख लो, इसका भी कॉर्नर, का भी कॉर्नर, का भी कॉर्नर, का भी कॉर्नर और उसका भी कॉर्नर। तो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज सिंपल क्यूबिक पैकिंग, ठीक है? अब देखते हैं इसमें और क्या क्या पॉइंट जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। इतना समझ में आया बेटा? ए ए टाइप में क्या होगा? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल एक स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर, जब थ्री डायमेंशनल में हम अरेंज करेंगे तब। अब देखो इसमें क्या होगा, हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर ले। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पार्टिकल की, ये वाला पार्टिकल, देखो इधर एक पार्टिकल से अटैच है, इधर दूसरे पार्टिकल से अटैच है, इधर तीसरे पार्टिकल से अटैच है और इधर चौथे पार्टिकल से, मीन्स सेम लेयर में, सेम लेयर में ये फोर पार्टिकल से अटैच है। अब एक पार्टिकल बिल्कुल इसके पीछे होगा इधर, और दूसरा पार्टिकल जब हम लेयर अरेंज करेंगे तो उसके बिल्कुल सामने में आएगा, तो एक पार्टिकल पीछे की तरफ आएगा और एक फ्रंट की तरफ आएगा, है ना? तो ऐसे टोटल, तो सेम लेयर में फोर पार्टिकल्स, एक हो जाएगा बैक में, बैक में एक पार्टिकल और एक हो जाएगा फ्रंट में,
फ्रंट में हो जाएगा एक पार्टिकल, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? सिक्स। इसका मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? सिक्स। अब पार्टिकल को हमको एक्सप्लेन भी करना है कि सिक्स कैसे, सेम लेयर में चार पार्टिकल अरेंज होंगे, जैसे यहाँ पर देख लो एक दो तीन और एक चार, एक हो जाएगा बैक में और एक हो जाएगा फ्रंट में, तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे? फोर प्लस टू यानी सिक्स पार्टिकल। इसका मतलब ए ए ए ए टाइप ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में पार्टिकल का अरेंजमेंट हम ऐसा करेंगे कि बिल्कुल स्फीयर के ऊपर स्फीयर आएगा, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो सिक्स रहेगा, मीन्स एक पार्टिकल और दूसरे छह पार्टिकल से अटैच्ड रहेगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, और ऐसे पैकेजिंग को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक पैकेजिंग, हम इसको एस सी पी भी बोलते हैं शॉर्ट में, एस सी पी, याद रखना है एस सी पी। क्लियर हो गया? और यहाँ पर जो होल बन रहा है वाइड स्पेस है ना, हम इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर वाइड स्पेस, वाइड स्पेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा एवरीवन? आशु किरण समझ में आया बेटा? हाँ सर। यस सर। ओके, अब देखते हैं इसके थ्योरी में अगर हमको आया तो हम उसको लिखना कैसे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ए ए ए टाइप ऑफ 2D। देखो, हमने पहले 2D स्ट्रक्चर लिया और 2D की लेयर को दूसरे 2D के ऊपर में रखा, बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल स्फीयर के ऊपर स्फीयर आना चाहिए। ठीक है, ए ए टाइप ऑफ 2D क्रिस्टल लेयर प्लेस्ड वन ओवर द अदर, यानी हमने जो 2D डायमेंशनल में अरेंजमेंट किया था ये वाला है ना, ऐसी लेयर को बिल्कुल एक के ऊपर एक रखना है, और वो भी कैसे, स्फीयर के ऊपर स्फीयर। ठीक है, सो दैट ऑल द स्फीयर, यहाँ पर दिया है सो दैट ऑल द स्फीयर ऑफ सक्सेसिव लेयर आर एग्जैक्टली अबोव द स्फीयर ऑफ लोअर लेयर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये वाला, ये हमको बताएगा कि पार्टिकल को अरेंजमेंट कैसा करना है। ठीक है, तब वो ए ए ए ए टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगा। ऑल स्फीयर ऑफ डिफरेंट लेयर, सी ऑल, जितने भी डिफरेंट लेयर होगी उनके जो पार्टिकल्स होंगे है ना, वो कैसे होंगे, बिल्कुल एक के ऊपर एक होंगे। सो ऑल स्फीयर ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर परफेक्टली अलाइंड, बिल्कुल उनका अलाइनमेंट ऐसा होगा कि बिल्कुल पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आएंगे, ऐसे बिल्कुल पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आएंगे। ठीक है, हम इसी को बोलेंगे ए ए ए टाइप ऑफ सिंपल क्लोज पैकिंग। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सो दैट यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल इज एस सी सी, इट इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, आगे हम इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन क्रिस्टल, हम यहाँ पे लिख देता हूँ एस सी सी का फुल फॉर्म, एस सी सी एन एस एन ए सिंपल, सी एन ए क्यूबिक, और सी एन ए क्रिस्टल। ठीक है, हम इसको एस सी पी बोलते हैं, इट इज सिंपल क्लोज पैकिंग, और इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एस सी पी, इट इज सिंपल, इट इज क्लोज और क्यूबिक, एंड पी से पैकिंग। ओके, हम इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी एस सी पी, या फिर एस सी सी यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। समझ में आ गया, याद रखना है ये नाम। आगे, ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय सिक्स पार्टिकल, देखो यानी सिक्स स्फीयर से, यानी एक पार्टिकल और छह पार्टिकल से अटैच रहेगा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सिक्स। फोर इन वन लेयर, देखो फोर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, फोर इन सेम लेयर, वन इज जस्ट अबो एंड वन इज जस्ट बिहाइंड, यानी एक ऊपर रहेगा एक पीछे इसमें रहेगा बैक में, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं एक फ्रंट में है तो एक बैक में, या एक टॉप में है तो एक बॉटम में, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फोर लेयर, फोर इन द लेयर यानी सेम लेयर में, एंड वन इन अबो द लेयर एंड वन बिलो द लेयर, यानी अगर एक पार्टिकल चार पार्टिकल से सेम लेयर में सराउंडेड है तो दूसरा पार्टिकल उसके ऊपर आएगा और नेक्स्ट पार्टिकल उसके नीचे आएगा, तो टोटल एक पार्टिकल ऊपर में, एक पार्टिकल नीचे में, और सेम लेयर में फोर पार्टिकल, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, सिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, सिक्स। हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्फीयर यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एस सी सी इज सिक्स, तो याद रखना यहाँ पर एस सी सी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा सिक्स रहेगा।
देर इज मोर एम्प्टी स्पेस इन ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर में जो एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा होता है. तो अगर आपको पूछ लिया कि इन विच टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट वाइड स्पेस इज मोर, तो आपको बोलना पड़ेगा SCC. ठीक है, यहाँ पर स्पेस, वाइड स्पेस बहुत ज्यादा रहेगा. यहाँ पर लिखा हुआ है देर इज मोर एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस को हम वाइड स्पेस बोलते हैं. इट इज वाइड, VOID, वाइड स्पेस. ठीक है, बहुत ज्यादा रहेगा. दिस इज ऑल अबाउट AAA टाइप ऑफ अरेंजमेंट. So I'm going to add one more point for the white space. Okay. So the white space formed. Let me erase this part. तो यहाँ पर तो ये दिया है कि white space बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन किस type का white space रहेगा हम यहाँ पर लिख रहे हैं. The white space formed is कौन सा square स्क्वायर वाइड शेप लिख देते हैं हम डायरेक्ट. स्क्वायर वाइड शेप, स्क्वायर वाइड स्पेस इज फॉर्म्ड इन SCC. ठीक है, सो दिस आर ऑल द पॉइंट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट. ये पांच पॉइंट याद रखना है और आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, बस दैट्स ऑल. ठीक है, यहाँ पर दिया हमको वाइट स्पेस जो साइड में हमने ड्रॉ किए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट 3D पैकिंग इन AAA टाइप ऑफ. ओके बेटा, ओके. सो एनी डाउट है बेटा? कोई भी डाउट नहीं है? हाँ आशुतोष, आशुतोष सर. यस सर. कोई भी डाउट नहीं है? नहीं सर. किरण, किरण डाउट बेटा? सोनल? नो सर. ओके ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो उसका. ले लिए? हाँ सर. सभी ने? हाँ सर. ओ ठीक, तो इसको, इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं. अब नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे.